अभी बाढ़ आया, बताओ 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा। सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। और नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे, पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर, अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगत रहे। बताओ निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? ये 2,000 किलोमीटर तक, 1,500 किलोमीटर तक, एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चलत रही 1,500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहते रहे कि जो जहां है वहीं रहो, बोले थे कि नहीं बोले थे? 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी, आप जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। बाहर का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार हो, हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है, कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%, 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का, 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसा तो है ये, लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी, बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदाधिकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए, 500 रुपया लगता है, 1,000 रुपया लगता है, 4-4 बार भर ले बारे सर, अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। जितने स्वयं सहायक समूह हैं, चाहे आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी दी हो गई, जीविका दीदी हो गई, विकास मित्र हो गए, इन सभी के मानदेय को 4,000 करने का काम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। नियोजित शिक्षक वाले लोग, कितना नीतीश जी ने आपको लाठी से पिटवाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। आप हम लोगों की सरकार बनेगी तो आपको समान काम समान वेतन देने का काम हम लोग करेंगे। कई बुजुर्ग लोग होंगे, उनसे पूछिए वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मिलता है तो समय पे नहीं मिलता, मिलता तो 400 रुपए मिलता है, वो 400 रुपए को हम लोग 1,000 करने जा रहे हैं वृद्धा पेंशन को। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना भाई लोग, मुद्दे की बात कर रहे। देखो हम नौजवान है, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, युवा किसान बेरोजगार मजदूर शिक्षा स्वास्थ्य इन पे बात होनी चाहिए। आप लोग एक मौका दीजिए, नए सोच के हैं, नया बिहार बना रहा है, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, चाहे स्वर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़े जाति के हो, चाहे दलित जाति के हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और देखिएगा, कुछ लोग चाहते हैं कि जो है मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन भटना नहीं है, काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन
बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे, काम के मुद्दे पे लड़ेंगे, किसान मजदूर के मुद्दे पे लड़ेंगे।